नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। प्रदेश और जिले भर में धान खरीदी केंद्रों में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व विधायक किशोर तिवारी ने कुटेही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, जिसमें समिति के प्रबंधकों, खरीदी केंद्र प्रभारियों के साथ ही स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत के आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इटाहा लक्ष्मणपुर नया गांव खरीदी केंद्रों में 1250 बोरी धान भंडारण के लिए भेजा गया था, जिसमें पुरानी धान लोड थी, जिसको जिला प्रबंधक बांगरी के द्वारा प्राप्त करके कार्रवाई के लिए पीटीएस चौराहा के गोदाम में भी ले जाया गया, पर जिला स्तरीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ट्रकों को खाली करवा कर बिना कार्रवाई के ही छोड़ दिया गया। जबकि ऐसा ही प्रकरण चौराहा और पधारा समितियों में लिप्त प्रबंधकों, खरीद केंद्र प्रभारियों पर एफआईआर कर उन्हें निलंबित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां वाहिद खान को 8 धान खरीदी केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं समिति प्रबंधकों के पास एक भी खरीदी केंद्र नहीं है। पूर्व से ही एसडीएम शैलेंद्र सिंह और जिला प्रबंधक संजय सिंह कलेक्टर को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इस मामले में पूरी तरह से ही हिलावाली की जा रही है। वो जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केंद्रों की अनियमितताओं की जांच की जाए और इस कार्य में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जांच की जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे। आज ये पत्रकार वार्ता मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में और रीवा जिले में भी धान खरीदी केंद्र और उससे जुड़े हुए पूरे तमाम भ्रष्टाचार के विषय को लेकर है। रीवा जिले में मैंने पहले भी कहा कि वर्षा के कारण कुछ धान में न तो पर्याप्त इंतजाम थे, न तिरपाल थी, न कहीं चबूतरा था, बगारों में, तालाबों में, पोखरों में ये धान खरीदी केंद्र था। ये तो एक विषय था, इसको हमने पहले भी कहा। आज का विषय ये है कि अभी ताबड़तोड़ कलेक्टर ने कुछ कार्रवाई की, इसमें चौराहा और कई पथरहा कई जगह हुआ, मगर यहाँ लौवा लक्ष्मणपुर एक खरीदी केंद्र है, वहाँ का एक प्रतिनिधिमंडल कल करीब 100 लोग हमारे पास आए थे, ये कागज भी दिया है, आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी काफ़ी छापा है, और वहाँ पर इटाहा समिति का मामला है और वहाँ का उठाकर दूसरे तहसील पर यहाँ नवा गाँव में खरीदी केंद्र बनाया है। हालत यह है कि 1250 बोरी सड़ी धान, पुरानी धान लेकर गुंडहा में ले जाके उसको बेचने के लिए ले आए थे। यहाँ गुंडहा एक समिति है और जब उसको यहाँ कोई बागरी है, उन्होंने कार्रवाई किया, तो उसके बाद उसको ले जाके पीटीएस के उस गोदाम पर डंप करके रिजेक्शन के लिए वहाँ रखा गया। मेरा ये आरोप है सीधा कि प्रशासन के मिली भगत से, चाहे उसमें एसडीएम एडीएम हो, क्योंकि कलेक्टर का तो निर्देश है, मैं कलेक्टर को दोषी नहीं मान रहा हूँ, बल्कि कलेक्टर को गुमराह किया जा रहा है और ये फूड में इसके बियर वाले में, नान वाले में मिलकर, यहाँ कोई संजय सिंह है वो के तमाम मिली जुली खेल के अंदर, और एक गुड़ समिति प्रबंधक और कई ऐसे समिति प्रबंधक हैं जिनके तहत मिलकर 12-12, 8-8, 10-10 समितियों का चार्ज देकर अब लुटवाया जा रहा है। आज तक उसमें FIR नहीं हुआ। मेरे पास सैकड़ों लोग आए थे कि भैया इसमें तो सरेआम पकड़ी गई, धान पकड़ी गई, पुरानी धान पकड़ी गई, वहाँ का यहाँ बुंडहा में बेचने आए, 1250 बोरी पतरी गई, अब वहाँ उतरवा लिया गया, पर अभी तक FIR नहीं हुआ। तो मेरा इसमें सीधा आरोप है कि उसमें तत्काल FIR हो, तत्काल कार्रवाई हो, चाहे जिसका भी हाथ हो। अगर किसी सत्ता वाले नेता का हाथ है तो भी मैं विरोध में हूँ, अगर कोई नहीं है, इसमें कोई प्रशासनिक सर्जरी लगी हुई, तब भी मैं विरोध में हूँ, कि ताकि इस भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अगर एक किसी को कहे कि मुख्यमंत्री को थैंक यू कह देना, मेरी जान बच गई, ये 56 इंच सीना को ये दोष लगाने वाला विषय है। मैं इसको ही मानता हूँ कि इसमें या तो साजिश करने वालों की थी, या कराने वालों की थी, या स्वयं की साजिश थी, ये भगवान जाने। अब जांच कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, वो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करूं या प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मैं अनुचित बात कहूं, ये मेरा कद नहीं है। परंतु भारत की जनता जो वोट देके किसी को निर्वाचित करती है, वो जरूर पूछने का हकदार है। मैं भी एक सामान्य नागरिक और सामान्य मतदाता होने के नाते मेरा पूछने का हक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 15 मिनट रुके तो क्या आपसे कोई किसान आके लपटा? क्या किसान कोई आके पत्थरा मारा आपको? क्या किसान ने आपका रास्ता बाधित किया? ये प्रश्न तो उठता है। किसान कहीं और है, किसान को जानकारी नहीं है।
किसान के नाम पर जो इस देश की दुर्दशा हो रही है वो उसको ध्यान भटकाने के लिए तो कहीं ऐसा गेम नहीं है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा कोई चाल तो नहीं है इसमें राजनीति की, क्योंकि राजनीति में तो सब हथकंडे हैं। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसकी जो जांच कमेटी बैठी है अब इसमें जिसको बहुत जानकारी हो, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत जानकारी है इन सब मसलों को, तो जाए अपना अर्जी लगाए और उसमें गवाही बने अगर उनको जानकारी है। अब नहीं तो ये बेबुनियाद बातें कह के मुख्यमंत्री की गरिमा समाप्त करके मध्य प्रदेश को बदनाम ना, ये बड़े दुखद विषय है। और शायद इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की भगदड़ मची है वो निश्चित रूप से इन्हीं तमाम घटनाक्रमों का परिणाम है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।